सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये प्रोडक्ट एकदम ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। Xiaomi के पावर बैंक की तरह दोस्तों नहीं होने वाला है ये, जो कि चाइनीज एक ब्रांड की तरफ से आता है। तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हो और दोस्तों आपको सपोर्ट करना है इंडियन मार्केट को, तो आप जरूर से इस वीडियो को चेकआउट करना जरूर। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज हर्षित और दोस्तों मैं आज आपके लिए पावर बैंक एक लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, ये रहा हमारा पावर बैंक जो कि अर्बन की तरफ से आता है, जो कि 10000mAh का पावर बैंक है दोस्तों। और इसमें कुछ ऐसी ऐसी फीचर्स है दोस्तों जिसको आपको काफी अट्रैक्टिव बनाती है। और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, इन फीचर्स को आपको लेना एक नेसेसिटी बन जाता है आज के समय में, बिकॉज आपके पास आपके फास्ट चार्जिंग डिवाइसेज आ चुके हैं और आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी की लेना बहुत ही जरूरी है। और जो दोस्तों बाकी सारे आपको पावर बैंक देखने को मिल रहे हैं, उसमें आपको काफी में फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिल रहा है, पावर डिलीवरी जैसा फीचर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि आपको ऐसे क्या ऐसे फीचर इसमें मिल रहे हैं जो आपको और पावर बैंक नहीं दे पा रहे हैं। सो गाइज, हियर इज द बॉक्स ऑफ द अर्बन पावर बैंक। जैसा कि आप देख सकते हो, 10000mAh के आपको पावर बैंक देखने को मिलता है। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताने वाला था, आपको 18 वाट की QC और PD देखने को मिल जाती है। दोस्तों QC का मतलब है आपका जो क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी आया हुआ है नया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और PD दोस्तों पावर डिलीवरी, जो कि iPhones में और काफ़ी सारे नए नए फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी जो फीचर्स है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको इस पावर बैंक को आज लेकर आया हूँ। दोस्तों इसके बॉक्स को खोलने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि इसमें टाइप सी देखने को मिलता है, इनपुट आउटपुट दोनों। मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर 18 वॉट का 2-way फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। मतलब कि दोस्तों इस पावर बैंक को भी आप 18 वॉट चार्ज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको अडाप्टर जो है वो 18 वॉट का होना जरूरी है। और दोस्तों मैं बात करूं, आपका फ़ोन जो है वो भी 18 वॉट चार्ज हो सकता है। बस दोस्तों ज़रूरी यह है कि आपके में क्विक चार्ज सपोर्ट हो या फिर PD सपोर्ट हो, और दोस्तों आप उसका केबल जो होता है वो इसमें यूज़ कर रहे हों। दोस्तों इसमें केबल भी है, इनबिल्ट देखने को मिली जाती है। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 12 लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों 12 लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन से मतलब इनका ये है कि दोस्तों आपकी जब ओवर चार्जिंग हो जाती है या फिर कम चार्ज होता है, तो ये पावर बैंक इतना ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, इसकी ICSA डिज़ाइन की गई है। ये दोस्तों आपका फ़ोन जब ज़्यादा चार्ज हो जाता है या फिर एकदम ही कम चार्ज है, इससे आपको प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों ये पावर बैंक अपने आप को ही नहीं, साथ साथ आपके फ़ोन्स को भी प्रोटेक्ट करता है कि आपका फ़ोन ज़्यादा चार्ज ना हो गया हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात मिल जाती है दोस्तों। ऐसी फीचर्स को हमको ज़रूरत रहता ही रहता है। दोस्तों इसमें टाइप सी केबल इंक्लूडेड मिल जाएगी, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। अभी बॉक्स को मैं खोलता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों साइड में देखें तो यहाँ पे इनका ब्रांडिंग है। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आप लोग जरूर से इसे चेकआउट करिए दोस्तों, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों पीछे के साइड देखते हैं। तो ये सारे दोस्तों डिटेल्स हैं आपको जो पीछे देखने को मिल जाते हैं। कंपेटिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो अपना टैबलेट फोन्स आईफोन्स या फिर अपना जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जैसा कि ये है हमारे पास ईयरफोन्स, तो ईयरफोन्स भी आप चार्ज जरूर से इसे कर सकते हो। अब दोस्तों फटाफट इसके बॉक्स को हम लोग फटाफट खोल लेते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों पावर बैंक, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। अभी स्लिम है दोस्तों और मेटालिक फील है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेटालिक फील है। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं दोस्तों और देखते हैं मेन चीज अंदर क्या क्या मिलता है। तो एक्चुअली तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक केबल देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको केबल देखने को मिलता है, जो कि है दोस्तों टाइप सी और टाइप ए से यहाँ पे जुड़ता है। ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है दोस्तों, इसको भी साइड रखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है यूज़र मैनुअल दोस्तों, तो यूज़र मैनुअल भी आप पढ़ सकते हो, इंस्ट्रक्शन मैनुअल कर लो, यूज़र मैनुअल, काफ़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई हैं, ये सब आप इसे पढ़ सकते हो। सो लास्ट चीज़ दोस्तों जो बॉक्स में मिलती है दोस्तों, ये 1 साल की वारंटी मिलती है दोस्तों, रिप्लेसमेंट वारंटी है। इसको आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर से पता कर सकते हो। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे हमारा जो पावर बैंक है वो आ चुका है हाथ में। दोस्तों ये मेटल की फिनिश के साथ है, जो कि ये काफ़ी अच्छा सॉलिड लगता है दोस्तों देखने में। आप सामने देख सकते हो अर्बन की ब्रांडिंग यहाँ पे है दोस्तों, साइड में आप देख सकते हो इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, फ़ोन से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। और एक्चुअली मैं बोलूँ तो इसका वेट है 250 के आसपास, तो ये फ़ोन के जितना वेट लगता है, आपको लगेगा कि आप एक्स्ट्रा एक फ़ोन लेके चल रहे हो। यहाँ पे दोस्तों एक और ब्रांडिंग देखने को मिलती है नीचे के साइड दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे 10000mAh लिखा हुआ है, साथ साथ दोस्तों आपको मेड इन इंडिया देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात दोस्तों हो जाती है मेड इन इंडिया एक प्रोडक्ट को देख के। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको USB टाइप ए के 2 पोर्ट मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइक्रो USB देखने को मिलता है और एक टाइप सी भी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आपको जो बैटरी इंडिकेटर्स होता है वो भी दोस्तों देखने को यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप ए के जो 2 पोर्ट है दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करूँ तो ये सिंगल आउटपुट में आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग दे सकते हैं, जो कि मैक्स आउटपुट इस पावर बैंक का जाता है। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, इनके जो केबल्स दिए हुए ना, आप उनको यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और मैं बात करूँ तो और कोई केबल अगर आप यूज करते हो तो
मेक श्योर करना कि आपका जो केबल है वो कंपेटेबल है दोस्तों 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग या फिर पावर डिलीवरी चार्जिंग को लेके। और तो और दोस्तों यहाँ पे आपका फोन भी कंपेटेबल होना चाहिए, नहीं तो आपका फोन दोस्तों जिस वॉट पे कंपेटेबल है उस पे चार्ज होने लगेगा। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के लिए आपका फोन भी सपोर्ट करना जरूरी है। दोस्तों आप इस पावर डिलीवरी पोर्ट से एक्चुअली आप इसे चार्ज भी कर सकते हो और इसका चार्जिंग यूज भी कर सकते हो, मतलब अपने फोन को भी इससे चार्ज कर सकते हो। बस आपको ये पीडी केबल होता है, पावर डिलीवरी का जो केबल होता है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। आप इजीली अपने फोन को 18 वॉट फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको मैं बात बताऊं कि आप कितनी बार इसे चार्ज कर पाओगे, तो दोस्तों अगर आपके पास एक आईफोन 11 प्रो है तो आप इसे 2 बार चार्ज कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों जो पोको आईफोन होता है जो कि दोस्तों मेरे पास है दोस्तों, तो वो आप चार्ज करने जाओगे तो आप उसे भी 2 बार अप्रोक्सीमेटली चार्ज कर सकते हो। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 है वो दोस्तों भी 2 बार चार्ज हो जाता है। 7 की बात करूं तो दोस्तों ये आपका पावर बैंक जो है 1.75 टाइम्स आपका 7 को चार्ज कर देता है। और आपके पास अगर आईपैड मिनी है तो आप इसको 1.5 बार चार्ज कर पाओगे बहुत ही इजीली इस पावर बैंक से। सो दोस्तों मैं आपको एक बार इसे यूज करके दिखाता हूँ इनके ही केबल से। जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने लगाया एक पोर्ट में, तो दोस्तों मैंने एक पोर्ट में यहाँ पे लगा दिया और ये जो एंड है आपको लगाना है अपने फोन में जो कि है टाइप सी दोस्तों, तो ये हम यहाँ पे रखते हैं। और मैं अपना फोन उठाता हूँ दोस्तों और अपना फोन, सो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे क्विक चार्ज काम करने लगा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये पावर बैंक बहुत ही इजीली आपका क्विक चार्ज काम करा दे रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो है केबल ये सपोर्टेड रहनी चाहिए। एक्चुअली ये जो केबल ये लोग दे रहे हैं ये सपोर्टेड है दोस्तों, और आपका फ़ोन भी सपोर्टेड होना चाहिए क्विक चार्ज या फिर पावर डिलीवरी के एक फीचर को, तो आप इजीली अपना फ़ोन को ये चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्विक चार्ज का फीचर यूज़ काम में कर रहा है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोन जो है वो क्विक चार्ज काम करने लगा है और ये मेरा चार्जिंग क्विक चार्ज हो रही है दोस्तों। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप कंसीडर करने वाले हो इस पावर बैंक को लेने के लिए। मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों मार्केट में तो काफी सारे ऐसे पावर बैंक्स हैं जो कंपटीशन तो दे रहे हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सबसे बेस्ट यही पावर बैंक मिलता है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा अपने कॉम्पिटिटिव में ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। एक नई कंपनी निकल के आ रही है दोस्तों, तो क्यों ना हम मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हुए रियलमी रेडमी पावर बैंक जो Xiaomi के पावर बैंक है उनको न लेते हुए हम लोग मेड इन इंडिया की तरफ जाएं और इंडियन कंपनीज को ही प्रमोट करें। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको Xiaomi जैसे चाइनीज ब्रांड को सपोर्ट करना है या फिर अर्बन जैसे इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना है? मुझे लगता है दोस्तों अगर आप इंडियन हो तो आपको इंडियन ब्रांड्स को ही सपोर्ट करना चाहिए, चाइनीज ब्रांड को आपको बॉयकॉट धीमे धीमे कर देना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों आपको अगर कोई सवाल सुझाव है या फिर कोई आपको क्वेरीज है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों आपको जो चाइनीज ब्रांड है उनसे बॉयकॉट करके इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे इंडिया भी काफी दोस्तों आगे तक जाए। तो मैं बोलना चाहूंगा अगर आपको कोई क्वेरीज है तो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को ही लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड गुड बाय।